हेलो दोस्तों, मैं सुभाष, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे पास पल्सर N160 एंड ये है इसका अपडेटेड वेरिएंट। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके सामने पल्सर N160 एंड यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे अपडेटेड, जिनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी इस बाइक में। लोग कंप्लेन भी करते थे वो चीज़ें मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर फाइनली बजाज ने वो चीज़ें आपको दे दी हैं। तो यहाँ पर फ्रंट लुक में देखेंगे आपको कोई ऐसा खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जिसका पूरा फेयरिंग वगैरह और ये जो भी आपका इसके हेडलैम्प हैं ये एज इट इज़ आपको LED में ही मिलते हैं एंड हेडलैम्प आपको प्रोजेक्टर में मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको गोल्डन कलर के USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा लुक मिलेगा, बट यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं उसमें आपको चेंज मिलेगा। केवल ये स्टिकर जो आप देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा भी क्या, ये जो पीछे आप ग्रेश पार्ट देख रहे हैं ये तो पहले भी आता था, बट ये जो ऊपर आप N160 देख रहे हैं इस पर ये चीज़ यहाँ पर न्यू देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर अब एक चीज़ और आपको बताऊँ तो इसमें सब चीज़ें दी ही नहीं गई, कुछ चीज़ें छीनी भी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर अंदर, तो इधर आपको इसमें रेडिएटर ग्रिल मिलता था, मतलब आपको इसमें ऑयल कूलिंग देखने को मिलती थी, जिस चीज़ को यहाँ पर कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अगर मैंने शोरूम में भी कंफर्म किया तो पहले तो उन्हें आइडिया नहीं था, बट बाद में जब चेक किया तो उन्होंने खुद भी मुझे बताया कि हाँ इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो हो सकता है काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हो इस बाइक के लिए, क्योंकि मैं खुद N160 पुरानी वाली राइड करता हूँ जिसमें ऑयल कूलिंग है, एंड उसमें भी ट्रैफिक वगैरह में एंड इतने हॉट वेदर में मुझे काफ़ी ज़्यादा हीट फील करने को मिल जाती है। बाकी आप लोग बताएं कि इसका हमें एडवांटेज मिलेगा डिसएडवांटेज। बाकी स्टार्ट करें यहाँ पर बाइक के पूरे लुक की, तो सेम एज इट इज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इसका मड गार्ड वगैरह है वो सेम आपका पियानो ब्लैक में पूरा मिल जाएगा। बाकी ये पार्ट आपका जैसे मिलता था मैट ब्लैक में वो चीज़ देखने को मिलेगी। इधर डुअल चैनल ABS की बैचिंग मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको 300 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है, क्रेमिका के कैलिपर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर टायर साइज़ की बात करें तो आपको 180/17 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। बाकी इधर सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है, इधर इंजन काउल आपको दे दिया गया है। एंड इसके अलावा जो इधर ग्राफिक्स वगैरह हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए, एक बार और दिखा देता हूँ। बाकी जो सीट हाइट है वो आपको 795 mm की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको बजाज का लोगो मिल जाएगा। एंड इंजन की बात करें तो उसमें आपको 160 cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि एयर कूल्ड हो चुका है। एंड पावर फिगर्स की बात करें तो 16 PS की पावर एंड 14.65 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टेप्स से आपको पूरा ब्रेक लीवर वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड रियर में आपका कुछ इस टाइप के फुटपैक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एग्जॉस्ट जो है यहाँ पर आपका वो अंडरबेली इसमें देखने को मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। एंड यहाँ पर पूरी लेंथ ना होने की वजह से जलने वगैरह का भी खतरा कम रहता है। इसके अलावा यहाँ पर रियर सस्पेंशन आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाते हैं रेड कलर के, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे एंड स्पोर्टी देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर रियर ब्रेक्स की तो ये आपको 230 mm के देखने को मिल जाती हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 12-channel ABS आपको ऑफर किया जा रहा है। एंड यहाँ पर रियर टायर साइज़ की बात करें तो ये आपको 130/70/17 सेक्शन का देखने को मिल जाता है। बाकी रियर से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा जैसा कि आपको टेल लैंप्स मिलते थे फुल LED सेटअप में, वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी ब्लिंकर्स आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज ये हो सकता है कि जो हेलोजन वाले ब्लिंकर्स थे उसमें दिक्कत ये होती थी कि वेट ज़्यादा होता तो यहाँ से क्रैक होने लगते थे, मेरे तो क्रैक हो गए हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो मे बी वेट कम होने की वजह से ये ना क्रैक हो। बाकी यहाँ पर इस साइड से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा आपको ओपन चेन सिस्टम दिया तो आपको उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना पड़ेगा। बाकी फुटपैक सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इधर आपको की होल मिल जाता है, सीट वगैरह आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इधर आपको इसका गियर लीवर देखने को मिल जाता है, 5-speed ट्रांसमिशन के साथ आती है। बाकी यहाँ पर सीट वगैरह की बात करें तो सीट यहाँ पर थोड़ा सा आपका हार्डर साइड में इसकी सेट है। एंड यहाँ पर टैंक देखेंगे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, इधर आपको E20 कंप्लायंट मिल जाती है बाइक। 14 लीटर टैंक कैपेसिटी है इसकी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड यहाँ पर आपको स्विच गियर्स दिखाऊं तो ये आपको जैसे चेंज होके मिल रहे थे कुछ उसी टाइप के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका हाई बीम, लो बीम, पास लाइट एंड इधर आपका मेन्यू का स्विच जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए होगा। बाकी यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न। इस साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपका इंजन किल स्विच, हेडलैम्प्स के लिए स्विच, बाकी सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। मिरर्स की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और मैं खुद इस बाइक को राइड करता हूँ तो यहाँ पर इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत ही कम है, काफ़ी इसका रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो
आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये भी आपको फुल डिजिटल में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इसके साथ ही साथ इसमें आपको नेविगेशन वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाएगा। आप टर्न बाय टर्न अपना फ़ोन कनेक्ट करके नेविगेट कर सकते हैं। बाकी ऊपर में आपको टैकोमीटर, इधर आपका गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, एंड इसके अलावा इधर आपका स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड वार्निंग, टाइम वगैरह, रीफिलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका इस पार्ट में यहाँ पर ABS के भी आपको मोड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफ रोड, रेन एंड रोड मोड, ये दो तीन मोड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल जाएंगे, ये चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको अच्छा लगता है जो पहले आता था वो। मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो जो पहले आ रहा था वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखाऊं तो इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट जैसा कि मिलता था वो चीज़ आपको अभी भी दी जा रही है, तो अपना फ़ोन वगैरह इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिल जाता है। एंड मैं बताऊँ तो मेरी चॉइस में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, काफ़ी बेसी साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी सारी डिटेल इस बाइक के बारे में। बाकी बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आपको कॉस्ट करके 1,40,819 रुपीज़ एक शोरूम। एंड अगर आपको शोरूम की डिटेल्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।